अस्सलाम वालेकुम। जी अपी आवाज आ रही है? ओके। आज हमने जो करना है वो हमारे पास एनिमेशन एनिमेशन हम लोग कैसे चलाते हैं। इसमें एनिमेशन की हमारे पास नाइन कह लें प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। एक हमारे पास एनिमेशन नेम आ जाता है, ठीक है। एनिमेशन ड्यूरेशन आ जाता है, उसकी टाइमिंग आ जाती है, डिले कि कितना हमने डिले करना है, इटरेशन काउंट के हमने कितनी बार उसको चलाना है, ठीक है। एनिमेशन डायरेक्शन किस डायरेक्शन में चलाना है, ये वाली जो है एनिमेशन फिल्म मोड, इसमें हम लोग करते हैं कि एनिमेशन को हमने किस हिसाब से मतलब चलाना है, ये अभी प्रैक्टिकल करके हम इसको देखते हैं। रुको, यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लोगों ने एनिमेशन वाला हम ये ओपन करते हैं। ये देखें, जस्ट ये वाला एक हमने बना के रखा है बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे देखें, हमने ये इसका बैकग्राउंड दिया हुआ है, हाइट विड्थ और पोजीशन वगैरह इसका दिया हुआ है, एक बॉक्स बनाया हुआ है। जस्ट अब इस पे हमने लगानी है एनिमेशन। एनिमेशन लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखें, हम एक एनिमेशन का नेम जो है वो सेट करते हैं। यहाँ पे जाके सबसे पहले हमने जो लगाना होता है वो हमारे पास एनिमेशन लगाते कैसे हैं, हम देखें यहाँ पे एट की फ्रेम्स, ठीक है। इसको यूज करना है, यहाँ पे कोई सा भी नेम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सैंपल ले लेती हूँ। अभी सैंपल लेने के बाद यहाँ पे होता है फ्रॉम, कहाँ से लेके कहाँ तक चलानी है एनिमेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉर्डर रेडियस अगर मैंने दिया हो, नहीं दिया हुआ, अच्छा यहाँ पे देखें बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे मैं कह देती हूँ स्टार्टिंग में 0% हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं टू, टू में जाके बॉर्डर रेडियस ही हम लोग क्या कर देते हैं, इसका बॉर्डर रेडियस यहाँ पे मैंने कर दिया 50%। 50% भी क्या होगा, वो सर्कल बन जाता है। यहाँ पे रिफ्रेश करें, अभी कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कि हमने अभी जस्ट उसको इम्प्लीमेंट करवाया कि हमारे पास जस्ट इस तरह की होनी चाहिए एक, मतलब हमने उसको डिक्लेयर किया एनिमेशन को, बट एनिमेशन को चलाना कैसे है, हमने यहाँ से जाके हाँ यहाँ से जाके देखें, हमने एनिमेशन को जब चलाना है तो हम लोग यहाँ पे करते हैं एनिमेशन नेम। ये एक बार अनम्यूट, उमायमा आपका अनम्यूट है, कैरियर इससे डबलिंग हो रही है आवाज। यहाँ पे देखें एनिमेशन नेम जो आपका आ जाता है, एनिमेशन नेम में यहाँ देखें सैंपल, जो हमने नेम यहाँ पे दिया था वो हम लोग यहाँ पे चलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने नेम दे दिया एनिमेशन नेम में बॉक्स के अंदर। अब यहाँ पे जाके हम लोग देखें, रिफ्रेश करें, अभी भी नहीं चली। इसमें आपको एक और चीज देनी होती है, एनिमेशन ड्यूरेशन के कितने ड्यूरेशन तक आपकी ये चलनी चाहिए। मैं यहाँ पे 2 सेकंड कर देती हूँ, रिफ्रेश किया, ये देखें आपकी एनिमेशन चल रही है, एक बार चली है, जस्ट ये एक बार चल के रुक गई है। यहाँ पे आपके पास एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, एनिमेशन इटरेशन काउंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख दू 3, के 3 टाइम वो चले, यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, देखे 3 टाइम चलेगी और उसके बाद ये रुक जाएगी, ठीक है। अगर आपको कहते हो ये चलती रहे, उसके लिए आपको वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ती है इनफाइनेट। इसको आप रिफ्रेश करेंगे, देखे अब ये मल्टीपल टाइम चलती रहेगी। अब एक चीज नोट करें, जब यहाँ से एनिमेशन हमारी जो है एकदम ही आप कह लें झटका लगता है उसको, मतलब स्मूथनेस नहीं है, जिसकी वजह से हम ट्रांजिशन लगाते थे 50 पे आके एक बार ही वो क्या हो जाता है फुल पे आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं एनिमेशन की। यहाँ पे देखें एनिमेशन डायरेक्शन, एनिमेशन डायरेक्शन में अल्टरनेट अगर मैं करूँ, रिफ्रेश करूँ, अल्टरनेट में क्या होगा, ये देखिए 50 पे अब स्लोली स्लोली जा रहा है, एक बार ही नहीं हो रहा, समझ आई बात की। अब एनिमेशन डायरेक्शंस में भी हमारे पास मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। ये देखें डायरेक्शन में एक तो अल्टरनेट था, एक रिवर्स था। अगर मैं रिवर्स आपको लिखा के दिखाऊं, यहाँ पे अल्टरनेट रिवर्स, सेव किया, रिफ्रेश किया, रिवर्स क्या होता है, देखिए आपकी सर्कल से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं नॉर्मल करूं तो सर्कल से नहीं, आपकी बॉक्स से स्टार्ट होती है, ये देखें बॉक्स से स्टार्ट होके सर्कल की तरफ आती है। अगर रिवर्स कर देते हैं तो सर्कल से स्टार्ट होके बॉक्स की तरफ आता है ये,
अगर मैं यहाँ पे अल्टरनेट रिवर्स करूँ तो यहाँ पे रिफ्रेश करके ये देखे स्मूथली हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप स्मूथली चाहते हो तो साथ अल्टरनेट लगा लो। अब यहाँ पे जो ज्यादातर आजकल चल रहा है ये फ्रॉम और टू, बहुत कम आपका इंप्लीमेंट होता है। इसके जगह आपका क्या होता है, यहाँ पे आपकी परसेंटेज लग जाती है, 0% पे ये वर्क हो, ठीक है, और 100% पे कोई और वर्किंग हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉर्डर रेडियस था, इसके अब साथ साथ मैं यहाँ पे देखें रिफ्रेश करूं अगर, वैसे ही वर्किंग हो रही है। अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज करते हैं, यहाँ पे देखें हम लोग यहाँ पे साथ साथ इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड व्हाइट है, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं बैकग्राउंड टमाटो ये देखें, और यहाँ पे कॉमा नहीं आना था आपका, सेमी कॉलन आता है, रिफ्रेश करें ये देखें, समझ आए, आपका कलर भी चेंज हो रहा है। अगर आप कलर इसके अंदर बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, इसके अंदर आप कलर चेंज करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे देखें मैं कलर यहाँ पे लिख देती हूँ FF, मतलब वाइट हो जाएगा, और यहाँ पे सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, देखा अंदर कलर भी आपका व्हाइट हो गया, और जब जैसे जैसे उधर जा रहा है तो ब्लू हो रहा है, ठीक है। एक और चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म भी लगा सकते हो। ट्रांसफॉर्म मतलब यहाँ पे देखें, ट्रांसफॉर्म मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ इसको, और यहाँ पे 100 पिक्सल कर दिया, और उसके बाद -100 पिक्सल कर देती हूँ, सेव किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें। इस तरह एनिमेशंस जो है आप करवा सकते हो अपनी वेबसाइट्स के अंदर, ठीक है। एक आपके पास ये हो गया। अब हमने यहाँ पे देखें अगर इसका शॉर्ट हैंड देखें हम लोग, ये सारे के सारे चार चीजें जो हैं इसका शॉर्ट हैंड अगर देखें तो हम लोग जस्ट एनिमेशन यूज करेंगे। एनिमेशन के बाद सबसे पहले आपका आ जाएगा एनिमेशन का नेम, ठीक है, उसके बाद आपकी ड्यूरेशन, और उसके बाद आपका आ जाएगा कि इसकी इटरेशन मतलब कितनी बार चलाना है, यहाँ पे इनफाइनाइट, और उसके बाद उसकी डायरेक्शन आ जाएगी जो हम लोगों ने लगाई हुई है अल्टरनेट रिवर्स। अब इन सारे को हम लोग इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करें, देखें सेम वैसे ही वर्किंग हो रही है आपकी एनिमेशन की, ठीक है। इस तरह आप लोग इसकी एनिमेशन कर सकते हो। अब इसके बाद आपके पास एनिमेशन की जो आपकी आ जाती है, आपके पास आती है यहाँ पे देखें एनिमेशन फिल्म मोड के नाम से एक मैंने यहाँ पे फाइल बना के रखी हुई है। यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूं एनिमेशन फिल्म को, यहाँ पे देखें जस्ट यहाँ पे अभी आपको ब्लैक जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाके पहले मैंने आपको बताया अगर एनिमेशन लगानी होती है तो हम कैसे करते हैं, एड की फ्रेम्स सैंपल, हमने एनिमेशन का नेम रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पहले हमने 0% लिया था और 100% लिया था। यहाँ पे देखें इसका बैकग्राउंड, मैं येलो कर रही हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड येलो, और इसके साथ साथ विड्थ चेंज करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल विड्थ जो है मैं इसको 250 पिक्सल कर देती हूँ, ठीक है। इसी को हम लोग कॉपी करते हैं, 4 times कॉपी कर लिया, पहले 100 हमने रखा था ना, अब यहाँ पे देखें मैं 25 कर देती हूँ, यहाँ पे जाके 50 कर देते हैं, यहाँ पे जाके 75 कर देते हैं, और एक और ले लेते हैं, और यहाँ पे जाके हम 100 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये कलर्स भी हम लोग अब चेंज करते हैं, यहाँ पे हमारे पास येलो था, येलो के बाद यहाँ पे देखें हम लोग स्काई ब्लू, ठीक है, यहाँ पे मैं रेड कर देती हूँ, और यहाँ पे हम ग्रीन कर देते हैं, एक रह गया इसको हम पर्पल कर देते हैं, इसकी यहाँ पे 300 कर दिया, यहाँ पे हमने 400 कर दिया, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, सेव किया, रिफ्रेश किया। अभी एनिमेशन नहीं चली, क्यों नहीं चली, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बॉक्स पे लगाई नहीं है, जस्ट बनाया है उसको। अब यहाँ पे देखें एनिमेशन लगाने के लिए हम शॉर्ट हैंड यूज करते हैं, सबसे पहले क्या आता है उसका नेम आता है, ठीक है, सैंपल, उसकी ड्यूरेशन आती है 2 सेकंड,
उसके बाद एक डिले भी होता है कि आप कितना उसको डिले करना चाहते हो, एनिमेशन डिले 2 सेकंड यहाँ पे। और यहाँ पे अब आपके पास एनिमेशन फिल्ड मोड के अंदर जो चीजें आती हैं, आपके पास एक तो आ जाता है फॉरवर्ड, सेव करो, उसको रिफ्रेश करें, ये देखें अभी 2 सेकंड का ड्यूरेशन लगाया हुआ, ये देखें अचानक ही आपको कह लें कि एक बार ही फॉरवर्ड क्या होता है, एक बार चल के दोबारा नहीं चलती है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लगाऊ बैकवर्ड, सेव करें, इसको रिफ्रेश करें, ये देखें बैकवर्ड में क्या होता है, आपकी जो पहली येलो वाली थी वो ब्लैक नहीं आपको शो हो रहा, पहले आपको ये देखें येलो वाला पहले ही शो होता है, उसके बाद आपके चल के फिर वापस आ जाती है, ठीक है। फॉरवर्ड एक बार चल के बस वहीं पे एनिमेशन रुक जाती है आपकी। अब एक और चीज आपके पास आ जाते हैं एनिमेशन प्ले स्टेट, आपके पास प्ले स्टेट दो ही हो सकती है एनिमेशन की, या तो वो हो सकता है आपके पास के आपका जो है यहाँ पे देखे पॉज होगा, या तो रनिंग होगी एनिमेशन, या तो चल रही होगी या रुकी होगी। अगर यहाँ पे जाके आप लगा देते हो एनिमेशन प्ले स्टेट, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको कंट्रोल जी होवर लगा के दिखाती हूँ, डॉट बॉक्स होवर, यहाँ पे देखें एनिमेशन प्ले स्टेट, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल कर दूं पहले पॉज, सेव किया इसको, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करूं, मतलब जब मैं उसके ऊपर माउस लेके जाऊंगी ना तब वो उसको पॉज कर देगा, ये देखे रोक दिया, फिर चला दिया, फिर रोक, अब दोबारा से मैं उसको रिफ्रेश करूं, अगर यहाँ पे देखें फिर रोक दिया, फिर चला दिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पे इसको ले जाती हूँ कि ये पॉज है स्टार्टिंग पे, जब मैं इसके ऊपर हॉवर करूँ तो वो चलने लग जाए, रनिंग, यहाँ पे देखिएगा अभी वो पॉज है, जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाती हूँ 2 सेकंड के ड्यूरेशन, तो उसके बाद वो चलना स्टार्ट हो गया, समझ आए। ये आपकी स्टेट्स होती हैं एनिमेशन की। अब इसके बाद जो आपका है, हमने जो था एक छोटा सा काम जो करना है वो आपकी ये चीजें हैं, ठीक है, ये देखें इमेज का, इसको मैं पहले आपको बता दूं कि हमने बनाना कैसे है, इसको मैं ओपन करती हूँ गूगल में, ये देखें जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रही हूँ 3D इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। ये हमने कैसे बनाना है ये आपको मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, ये आपका टास्क है, क्योंकि जो चीजें हमने यूज कर ली है बस दो चीजें इसमें डिफरेंट है, बाकी सारी वही चीजें आ रही हैं। अब देखें यहाँ पे इसका ओवरव्यू, सबसे पहले आपने क्या करना है, अच्छा CSS के अंदर पहले एक चीज के वेरिएबल हम जब बनाते हैं ना, वेरिएबल तो हम लोग इस साइन के साथ बनाते हैं, ये एक वेरिएबल है जो आई का नाम दिया हुआ है, ये वेरिएबल है जो जे का नाम दिया हुआ है। अक्सर वेरिएबल आपने सुना होगा वे वार हम लोग दे देते हैं, अक्सर में हम लोग डॉलर के साइन से करते हैं, लेकिन CSS के अंदर हम लोग ये डबल हाइफन से, मतलब हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे देखें आई इज इक्वल टू 210, ये क्यों दिया है, यहाँ पे 5 इमेजेस की हमने लगाई है, यहाँ पे देखें जब होवर कर रहे हैं आपको 5 इमेजेस नजर आ रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखें हमने अलग अलग इमेजेस लगाए, और स्टाइल जो है हमने जो आपकी मिड वाली है उसको हमने 0 दे दिया, ऊपर से ऊपर वाली साइड पे उसको 1 2 दे दिया, नीचे वाली साइड पे -1 -2 दे दिया, ठीक है। उसके बाद जे जो है हमने लिया है उसको 0 1 2 3 4, मतलब उसके डिक्लेयर किया है डिफरेंट फेजेस को। अब यहाँ तक हमने जस्ट एक चीज किया, और यहाँ पे लिंक करवाई हुई है स्टाइल की, स्टाइल डॉट CSS को, यहाँ पे हमने वर्किंग क्या की, सबसे पहले आप देखो आपको पता है जो स्टार यूज होता है वो फॉर ऑल के लिए यूज होता है, मार्जिन आपका पैडिंग हमने 0 कर दी, ठीक है। बॉक्स साइजिंग आपको पता है हम लोग क्यों यूज करते हैं, कि आपका डाटा जो है वो ओवरफ्लो ना करे, या कह लें कि हमारा डाटा जो है जितनी हम उसको जगह दे उतनी ही ले, ज्यादा जगह ना ले। अच्छा मिन हाइट का भी आपको पता है, बैकग्राउंड हमने दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स इतना भी माइंड में रख लें कि डिस्प्ले फ्लेक्स हम इसलिए देते हैं ताकि वो एक तरतीब में आ जाए, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट, जो कंटेंट उसके अंदर है वो हमने सेंटर कर दिया, आइटम भी जो थी हमने उसको सेंटर अलाइन कर दिया। अब ये इमेज BX जो था, यहाँ पे देखें इमेज BX हमने इस क्लास इसको दिए मेन डिव को, ठीक
ठीक है, उसकी स्टाइलिंग हमने उसको पोजीशन दी है, ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व 3D की है जो हमने कल पढ़ा था शायद, हाँ जी कल ही पढ़ा था, पर्सपेक्टिव कर दिया इसको, और ये इमेज की जो पोजीशंस वगैरह है ये लगा के देखी है। यहाँ पे जो Z इंडेक्स है जो हमने लास्ट टाइम किया था, यहाँ पे देखें Z इंडेक्स में आपने सबसे पहले आपकी एक चीज आ जाती है कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है ना, अगर आपने वैसे करनी हो तो उसके लिए हम कैल्क का ऑपरेशन यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए उसने पहला जो है 1+ वेरिएबल i, मतलब यहाँ पे जो i आपके पास आ रहे थे उसने 1 जो था उसके अंदर बाकी बाकी प्लस करता गया, ठीक है। यहाँ पे अब उसके बाद यहाँ पे देखें उसने माइनस कर दिया है और 0.2 को हर वेरिएबल के अंदर से, ओपेसिटी के लिए ये कैलकुलेशंस कुछ होती हैं अगर आपने देनी होती है, ठीक है। अब ये इसके लिए ओपेसिटी जो देखें आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपेरेंट हो रहा है, लास्ट पे कम हुई जा रही है, हर के लिए उसने 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको 1 उसमें से माइनस करता गया, इसलिए आपकी जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी क्या होता था आपको मैंने बताया था, ट्रांसपेरेंट आपका करता है, ठीक है। ये देखे ट्रांसपेरेंट कर रहा है उसको। उसके बाद हॉवर वाला इफेक्ट है, ये जो हमने कल ट्रांसफॉर्म वाला पढ़ा था, ये वाला आपने करके देखना है, ये आपका टास्क है, ठीक है। ये देखें आपके पास इस तरह का इफेक्ट आएगा, ये अभी बैठ के बेशक कर लें, अभी ये जो टास्क दिया है इसको बेशक कंप्लीट कर लें, आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड करती हूँ।